प्रिय शिक्षकों और साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत स्वागत है। NIO से डीएलएड करने वाले सभी शिक्षक अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके चलते उन लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा ऑलरेडी, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी असाइनमेंट सबमिट की है, वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जब असाइनमेंट आप तैयार करने जाएंगे तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है आपका फ्रंट पेज, साथ ही साथ है आपका बैक पेज। ठीक है, तो ये दोनों आप कैसे हासिल कर सकते हैं इसी को लेकर ही ये वीडियो है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम आपको ज़रूर बता देंगे कि आप ये दोनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आपका जो असाइनमेंट सबमिट करना है उसका लास्ट डेट डिक्लेयर कर दिया गया है गुवाहाटी रीजनल ऑफिस की तरफ से। वैसे ही ये तो गुवाहाटी की तरफ से, गुवाहाटी रीजनल के अंडर में जितना सेंटर्स आता है उनका डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में ये कोर्स चल रहा है, इसलिए आपका भी जो नज़दीकी मतलब आपका जो खुद का स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, उसकी तरफ से भी आपका जो डेट है वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो नोटिस हम आपको दिखा देते हैं, ऑफिशियल लेटर जो ऑफिशियल ईमेल आया है NIO की तरफ से, उसमें उन लोगों ने क्या क्या और इम्पोर्टेंट बात बताई है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट के साथ साथ। ठीक है, तो आप देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें और साथ में आने वाली जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 अक्टूबर को ही निकाला गया है, इसका जो सब्जेक्ट है रिगार्डिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ डीएलएड कोर्स अंडर NIOS। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर मैडम, ऑल द डीएलएड स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल सर हियर बाई इन्फॉर्म टू कंडक्ट द सेकेंड ईयर PCP वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस टीचिंग एक्टिविटीज एंड क्लोज अलॉन्ग विद दिस ईमेल। इट इज़ ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू दैट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन TMA मार्क्स फॉर द कोर्स कोड 506 507 508 509 और 510 WBF 513 प्रैक्टिस टीचिंग 514 हैज़ बीन मेड अवेलेबल अंडर द स्टडी सेंटर कॉर्नर ऑन NIOS वेब पोर्टल। सो ऑल द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द TMA मार्क्स फॉर द कोर्स कोड 506 509 और बिफोर 30th October 2018 एनी हाउ। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किसी भी हालत में कैसे भी हो 30 अक्टूबर से पहले आपका जो TMA का मार्क्स है और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, जितना भी आपका डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है, वो 30 अक्टूबर से पहले कोऑर्डिनेटर को अपलोड करना होगा, जमा करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप टाइम से पहले दे देता कि आपको रिजल्ट में आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। अगर आप नहीं सबमिट करते तो नुकसान आपको खुद का ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 30 अक्टूबर से पहले जल्द से जल्द सबमिट कर दे। हम ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो गुवाहाटी रीजनल सेंटर के तहत आते हैं, और बाकी स्टेट्स में बाकी रीजनल सेंटर्स की तरफ से भी ये न्यूज़ बहुत ही जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, और बहुत सारे रीजनल सेंटर की तरफ से ऐलान ऑलरेडी कर दी गई है। ठीक है, तो आप प्लीज़ टाइम से पहले आप इसको सबमिट कर दें। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था आपको बताने वाली, और हम आपको ये बता देते कि आपका जो फ्रंट पेज और बैक पेज है उसका लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। हमारा फेसबुक पेज का, ऑफिशियल फेसबुक पेज का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो अपना बैक पेज और फ्रंट पेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा फेसबुक पेज को लाइक करके रख दें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, नए जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।